संस्कृत व्याकरण यह देखिए संधि का सूत्र और कक्षा 11-12 दोनों क्लास के लिए अनिवार्य है। और ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको आप लोग एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद उसे दोहराइएगा आपके काम आएगा। संस्कृत व्याकरण के देखिए ये है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जो क्लास में ही पढ़ाया गया है, कई बार पढ़ाया गया आप लोगों को माहेश्वर सूत्र, उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। संस्कृत व्याकरण का मूलाधार निम्नलिखित 14 सूत्र होते हैं। देखिए संस्कृत व्याकरण का मूलाधार निम्नलिखित 14 सूत्र होते हैं, जिन्होंने शिव जी अपने दम के माध्यम से निकाला था। वो 14 सूत्र आपके सामने है। इन 14 सूत्रों के नाम ये है, देखिए इन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से ही जाना जाता है या पुकारा जाता है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला दर्शाई गई है। ये जो 14 सूत्र सिद्धि के दम से निकाले गए थे उनमें जो है एक पूरी वर्णमाला आपके सामने इस ब्लैक बोर्ड के आगे दर्शाया गया है, जिसमें देखिए अ ई उ ण अ ई उ ण ली री ऋ क ए ओ अं ए अ च ह य र ण ट ल ल यम म अं ळ म न झ व ञ घ ढ ध स ज ग घ ळ द श ख प छ ट थ च त व क प ज स स ह हल। ये जो है 14 माहेश्वर सूत्र है। इन्हें जब शिव जी डमरू के शब्द से, जैसे ही डमरू के शब्द का प्रयोग किया, इन 14 वर्ण उसमें से निकले, जिससे ये संस्कृत की रचयिता हुई है। इसे हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते। अब आगे देखिए ये 14 सूत्र तो समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिमाग में रहता नहीं है, हो सकता है निकल जाए, है ना। कितने बार क्लास में बताया गया है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब माहेश्वर सूत्र के विषय में जानने योग्य बातें आज जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, और यही देखिए हम पूरा इसको पूरा समय पूरा करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, तो कल भी इसको नोट कर लीजिएगा। माहेश्वर सूत्र के विषय में जानने योग्य बातें, इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी गई है। ये जो सूत्र है वर्ण बने क्या होता है अक्षर, इनकी पूरी माला किसी में दी गई है। जैसे स्वर ले लीजिए, स्वर व्यंजन का नाम तो आप लोग सुनेंगे, स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ आ ई, व्यंजन में कब कब आते हैं, तो स्वर में देखिए अ ई उ री ऋ ए ओ ऐ और अ, ये कौन से हैं स्वर है। और व्यंजन के बारे में कल बताएंगे, लेकिन इसको आप लोग नोट अवश्य कर लीजिएगा, नोट करके रिपीट करिएगा। और इसके आगे देखिए अंतस्थ वर्ग के प्रथम वर्ण, आज प्रथम वर्ण के बारे में बता रहे हैं, कल द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, जितने वर्ण है कल भी उसको नोट कराएंगे। अब इसमें देखिए वर्ग के प्रथम चरण में च ट क क प उस स स स ह स स स ह, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा बालक, और इसके आगे कल हम रिपीट कराएंगे।